वर्तमान अध्यक्ष। हमारी संस्था 1897 में शुरू हुई थी, आज 125 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आज हम ये महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम अपने 125 वर्षों की यात्रा को उल्लेखित करना चाहते हैं। एक समय था जब देश गुलाम था, हमारे व्यापार में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। उन सारे प्रतिबंधों में, हमारे आपसी विवादों में, आपसी तकलीफ़ों में, उनके समाधान के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। उस समय के दूरदर्शी व्यापारी ने, आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी खेमका ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक संस्था की स्थापना की, हिंदुस्तान। पहले उसका नाम मारवाड़ी एसोसिएशन था और वर्तमान में नाम बदलते हुए आज हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंबई के रूप में विख्यात है। हमारी संस्था अपने प्रारंभ काल से, यानी 1897 जब से संस्था शुरू हुई, तब से हमने अपने दायित्व को समझने की चेष्टा की। हमारे समाज में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें। पहली बात हमारी थी, हम अपने व्यापारियों के बीच आपस के विवादों का निपटारा करें। साथ साथ में सरकार द्वारा लगाए गए निरर्थक, व्यर्थ और तकलीफदेह कानूनों को मिटाएं, उन्हें हटाएं और अपने देश की उन्नति के लिए काम करें। उस तरह से हमारी संस्था ने, जिस समय मुंबई पूरा, उस समय जब बृहद मुंबई क्षेत्र में हमारे उद्यमियों ने मिलों का जाल बिछा दिया था, तब हमारी संस्था की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। हमारे यहाँ का व्यापार इतना अधिक फैला कि पूरे भारत भर में बम्बई मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता। 1915 में एक अध्यापक और चार विद्यार्थी, रामनवमी का दिन और एक स्कूल की रचना की गई, वो आज मारवाड़ी कॉमर्शियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के रूप में विख्यात है। इसी तरह से आज से लगभग 67 साल पहले हमने हिंदुस्तान चैम्बर चिकित्सालय की स्थापना की। समाज का निर्बल और हम ये कहें कि जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत थी चिकित्सा में, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए हमने हिंदुस्तान चैम्बर चिकित्सालय की स्थापना की और वो आज 67 वर्ष के बाद बड़े ही मजबूत रूप से समाज की सेवा कर रही है। हमारे यहाँ 24 डॉक्टर्स, अलग अलग विषय के डॉक्टर्स वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हम, हमारी संस्था नाम मात्र का शुल्क उनसे लेती है, यह सिर्फ बताने के लिए, अन्यथा शुल्क का कोई मूल्य नहीं है। इसके बाद में अगर आपसे मैं कहूँ, हमारे यहाँ का प्रबल पक्ष आर्बिट्रेशन है, पंच पद्धति से विवादों का समाधान कराना। जिस समय सारे न्यायालय, सारी परेशानियाँ हमारे व्यापारियों के साथ में, आज हम न्याय के लिए जाते हैं,
हमारे पास लंबे समय तक मुकदमा लड़ने के लिए समय नहीं होता है। ऐसे समय में हमारी पंच व्यवस्था जो भारत सरकार द्वारा मान्य है, उसके द्वारा हम हजारों समाधान हमने कराए और करोड़ों रुपए के समाधान हम कराते रहते हैं। इस तरह से हमारी संस्था आज वर्तमान तक की अगर हमारी हम यात्रा को समझें तो हम अपने सामाजिक, राजनीतिक और चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं। और अगर मैं कहूं कि भविष्य में हम तकनीकी ज्ञान का भरपूर उपयोग करके हम अपने व्यापारियों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि वो भविष्य में अपने व्यापार के द्वारा हमारे देश का नाम रोशन करें, हमें गौरवान्वित करें और ये संस्था उनकी पीठ पर उनके साथ आगे बढ़ती हुई हम उन सब के साथ आगे बढ़ें, हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यापारी इतना मजबूत हो जाए कि उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं हो, और इस रूप में हमारी संस्था अद्भुत रूप से प्रगति कर रही है। आज से लगभग 37 साल पहले मैं हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैनेजिंग कमेटी में आया, और तब से लेकर आज तक सदैव मेरा योगदान अपने समाज, अपने व्यापारिक समाज, अपनी संस्था के प्रति पूरी निष्ठा के साथ रहा। मैंने तन, मन और धन से सदैव अपनी संस्था में अग्रणी स्थान निभाया है। हमने जितनी एशिया टेक्स की श्रृंखलाएँ की उसमें मेरा योगदान हमेशा रहा। हमने जितने भी सामाजिक और राष्ट्रीय आपदाएं जो भी आई, उस समय भी जो भी हमें मुझसे बन पड़ा, मैंने अपनी संस्था के साथ सहयोग किया। अभी भी हमारे मारवाड़ी कॉमर्शियल हाई स्कूल के नव निर्माण की बात है, हमारी संस्था अपने स्कूल भवन का नव निर्माण करना चाहती है, मैं उसके लिए भी अग्रणी भूमिका निभाना चाहता हूँ। आज ये मेरा अवसर है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी संस्था के 125वें वर्ष मनाने का साक्षी हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्था दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करती रहे। हमारे आने वाले अध्यक्ष हमसे बहुत आगे निकले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। 125 साल पूरे हो रहे हैं, एक ऐतिहासिक घटना है। मैं हिंदुस्तान चैम्बर से करीबन 42 वर्षों से जुड़ा हूँ, और सारे प्रेसिडेंट, सारे मेंबर, सारे पदाधिकारी मेरे दोस्त हैं, और मैं उनके साथ रात दिन काम करता हूँ। वो मेरे हमेशा ज़िंदगी में काम आए हैं, मैं हिंदुस्तान चैम्बर के काम में आया हूँ। और हिंदुस्तान चैम्बर कपड़ा बाज़ार की भारत की सबसे बड़ी संस्था है, बहुत ही उपयोगी संस्था है, और कपड़ा बाज़ार का बहुत काम कर रही है। अगर ये कहूँ कि अगर देश में कपड़ा बाज़ार के बारे में कोई नीति, नियम और धोरण बनाने वाली कोई बड़ी संस्था अगर देश में बची है तो हिंदुस्तान चैम्बर बचा हुआ है। और आज शिखर चंद जी और उनकी टीम है आज 125 साल मेरे ही क्लब में मना रहे हैं, और जो उपस्थिति आप देख रहे हैं, उत्साह आप देख रहे हैं, उनका जोश देख रहे हैं, इस बात का प्रतीक है कि 125 साल पूरा होने के लिए बहुत खुशी है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि 125 साल में संस्थाएं 125 फुट अंदर चली जाती है, पर कुछ संस्थाएं जो है, जो सच्ची संस्था है, वो फलती है, फूलती है, और वो फलने फूलने वाली संस्थाओं में हिंदुस्तान चैम्बर है, आगे भी फलेगा, आगे भी फूलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। 125 साल की उपस्थिति में शुभकामना देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 125वीं जो वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत बड़ा एक अपने आप में इतिहास है और अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि निरंतर ऐसी सेवा की अच्छे से अच्छे काम करते रहें और संस्था की प्रगति आगे से आगे चलती रहे। गौतम जैन, मैं हिंदुस्तान चैम्बर से 1997 से जुड़ा हुआ हूँ, फिर मैंने चिकित्सालय में भी सब पोस्ट ली, चिकित्सालय का भी प्रेसिडेंट बना, मारवाड़ी कमर्शियल हाई स्कूल का भी सेक्रेटरी बना, हिंदुस्तान चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट बना, सेक्रेटरी बना, और 2013 में मैं हिंदुस्तान चैम्बर का प्रेसिडेंट बना। मुझे हिंदुस्तान चैम्बर से बहुत कुछ सीखने को मिला, मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाती है, प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, व्यापार में क्या अपन बेनिफिट दे सकते हैं, व्यापारियों के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करना,
एक्सपोर्टर के सेमिनार ऑर्गेनाइज करना जिससे व्यापारी अपने एक्सपोर्ट का करना। चालू चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जितना भी हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपकार मानो उतना कम है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम 125वां साल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। चैम्बर के चैम्बर में कई बड़े प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ आए हुए हैं और आज शायद भारत में ये पहला या दूसरा ही चैम्बर है जो 125 साल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ व्यापारियों का सबसे बड़ा है कि चैम्बर आर्बिट्रेशन में आज चैम्बर का नाम है। चैम्बर के दिए हुए अवार्ड को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं निकालता है और सुप्रीम कोर्ट भी उस अवार्ड को मान्य देता है और नॉमिनल प्राइस में जो कोर्टों में 5-5, 7-7 साल तक आर्बिट्रेशन की जो फैसले नहीं आते। अभी तो गवर्नमेंट का रूल आया कि विदिन ए 1 ईयर आर्बिट्रेशन का फैसला देना, तो इससे लोग चैम्बर में अधिक जुड़ रहे हैं और व्यापारियों के बीच में जो डिस्प्यूटें होती है उसमें चैम्बर सेटल करने में शायद भारत में पहला या दूसरा नंबर है जो व्यापारियों के का सेटलमेंट करता है। तो मैं तो हिंदुस्तान चैम्बर के 125 साल में के अध्यक्ष और पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इसी तरह जिस एम से 125 साल चलाए उसे आगे भी इसी तरह चला। मैं संस्था से 1997 में संस्था से जुड़ा, जुड़ते ही मैं हिंदुस्तान चैम्बर का सेक्रेटरी बना। मैंने 3 प्रेसिडेंटों के साथ सेक्रेटरी का पोस्ट लिखा है। उसके बाद मैं स्कूल का सेक्रेटरी बना, उसके बाद हिंदुस्तान चैम्बर चिकित्सालय का वाइस प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट बना और फिर मैं हिंदुस्तान चैम्बर का वाइस प्रेसिडेंट बन के जो 2013 में मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट और 2020 में मैं चैम्बर का पैट्रन मेंबर बन गया। तो आई एम द यंगेस्ट पैट्रन इन हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं जब प्रेसिडेंट था तब मैंने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बुला के सेमिनार किया, टेक्सटाइल कमीशन को बुलाया, ट्रैफिक कमीशन को बुलाया, ट्रैफिक कमीशन को, पुलिस कमीशन को बुलाया और कालबाजारी में जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी और एंटी करप्शन वाले को भी बुलाया और गवर्नमेंट की हाई अथॉरिटी को बुला के चैम्बर से इंटरेक्शन करवाया और लोगों को ये बताया। उन्होंने भी कहा कि चैम्बर अगर चाहे तो कुछ कर सकता है, तो उन्होंने हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चैम्बर से वो बहुत सही। हरिराम अग्रवाल, एक्स प्रेसिडेंट एंड संरक्षक सदस्य, मैं 2 बार स्कूल का प्रेसिडेंट रहता हूँ। शताब्दी समारोह मैंने ही बिरला मास्टरशिप मनाया था, उसमें अपने शिक्षा मंत्री और ये सब आए थे। बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी संरक्षक सदस्य होने के नाते चैम्बर की सेवा में लगा हूँ। जो काम मेरे दिन में सौंपा जाता है वो मन तन मन धन से करने की कोशिश करता हूँ। चैम्बर दिन प्रतिदिन अच्छी तरक्की कर रहा है। अभी शिखरधन जी हैं, उनकी अध्यक्षता में काम बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि उस अगस्त सितंबर में एशिया टेस्ट भी लगाएंगे जो अच्छी तरह से सफल होगा। मैं संस्था से 35-36 साल से जुड़ा हुआ हूँ और होम्योपैथी जितनी भी दवाएँ आती हैं मेरे ही सहयोग से आ रही हैं। लगातार जो पेमेंट होता है पूरा मैं ही करता हूँ। 35 साल से लगातार कर रहा हूँ। कोरोना पीरियड आ गया था मेरे टाइम में, तो उस वक्त हमने काफ़ी कलेक्शन किया था और पीएम फंड में 64 लाख भेजा। एक एम्बुलेंस हमने डोनेट किया और भी प्रतिदिन कोरोना पीरियड में सुबह 300 आदमी, शाम को 300 आदमी की भोजन की सेवा 6 महीने तक करते रहे लगातार कंटिन्यू और डे टू डे इनके सहयोग से इन्होंने काफ़ी मेहनती हैं। डे टू डे चैम्बर तरक्की करता जा रहा है, आगे भी उम्मीद है कि अच्छी तरक्की करेगा। धन्यवाद। राम स्वरूप गाड़िया, मारवाड़ी कमर्शियल हाई स्कूल का प्रेसिडेंट 4 साल से हूँ और ये संस्था में मैं इसी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ और अभी ये संस्था मैं कई सालों से संभाल रहा हूँ। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स 125 वर्ष के लिए मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इतना बड़ा इतनी बड़ी संस्था है कि आज तक इस तरह का गौरवशाली प्रोग्राम किसी का भी नहीं हुआ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्था ने कपड़े के उद्योग के अलावा न्यायिक प्रणाली में भी बहुत काम किया है, आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में बहुत आगे है
इसके संस्था के अंडर में मारवाड़ी कमर्शियल हाई स्कूल एवं हिंदुस्तान चिकित्सालय का कार्यक्रम इसके अंडर में ही होता है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये संस्था आगे भी व्यापारियों के लिए अधिक से अधिक काम करती रहेगी। धन्यवाद। हमारे पूज्य काशीनाथ जी कम से कम भी 50 साल से ऊपर हो गए इस संस्था से जुड़े हुए, और हम लोग भी संस्था में 25 साल से ऊपर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये संस्था के लिए हमारा बहुत लगाव है, और हम इस संस्था के लिए तन मन धन से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारी पूरा परिवार, हमारे पिताजी, हमारे काकू जो काशीनाथ जी संस्था से 50 साल से ऊपर जुड़े हुए हैं। इस संस्था में समय समय से काफ़ी बदलाव हुए, जैसे समय डिजिटल वगैरह में भी ये संस्था भी डिजिटल पे विश्वास कर रही है। जो भी संस्था के अंदर में कोई भी न्याय प्रणाली है, जैसे आर्बिट्रेशन है, उसमें संस्था ने बहुत काम किए हैं। एक सबसे बड़ा हम उन्होंने एक 27 करोड़ का आर्बिट्रेशन किया, जो संस्था ने एक मिसाल कायम की है। ये जो हाईकोर्ट वगैरह भी ये काम नहीं कर सकती, संस्था ने काम किया और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। व्यापार क्षेत्र में, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में लोगों को समय समय पे मार्गदर्शन करना, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, समय समय पे उनको संस्था में जो भी तकलीफ आती है उनका बैठ के निराकरण होता रहता है। और हम ये संस्था से काफ़ी मेंबर्स लोग जुड़े हुए हैं, जो आज सब इस टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, जैसे सियाराम सिल्क वाले, डोंगियर सिल्क इंडस्ट्री वाले, बॉम्बे रेन वाले, VHM इंडस्ट्रीज वाले, ये सब संस्था से जुड़े हुए हैं। गोविंद सराफ, अध्यक्ष हिंदुस्तान चैम्बर चिकित्सालय। आज बहुत हर्ष का विषय है कि 125 साल हिंदुस्तान चैम्बर का जो है ये मना रहे हैं। 125 साल के आज कोई भी चैम्बर हिंदुस्तान में कोई भी 125 साल नहीं पूरा किया है। 125 साल एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम वो सब हिंदुस्तान चैम्बर चिकित्सालय 57 साल हो गए, जो आज जो है जो नीचे तबके के लोग हैं, चाहे भाई, उनको जो है आज हजारों लोगों को प्रति महीने के हिसाब से सेवा दे रही है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज। ये बहुत बड़ी हमारे चैम्बर की उपलब्धि है कि दो प्रकल्प, सेवा के प्रकल्प चलते हैं, हिंदुस्तान चैम्बर चिकित्सालय और मारवाड़ी कॉमर्शियल हाई स्कूल। मैं 15 साल से हिंदुस्तान चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदुस्तान चैम्बर में मंत्री रहा हुआ हूँ, और हिंदुस्तान चैम्बर ये मारवाड़ी कॉमर्शियल हाई स्कूल में प्रेसिडेंट रहा हूँ था, और वर्तमान में हिंदुस्तान चिकित्सालय में जो है अध्यक्ष हूँ। मैं सज्जन डोकानिया अभी हिंदुस्तान चैम्बर में उपाध्यक्ष के निमित्त दायित्व संभाल रहा हूँ। मेरा जब से बम्बई आना हुआ व्यापार में 1979 से, उस समय से मैं हिंदुस्तान चैम्बर का सदस्य हूँ। कालांतर में मैं कार्य समिति में आया, उसके बाद मैं हिंदुस्तान चैम्बर विद्यालय का सेक्रेटरी रहा, हिंदुस्तान चैम्बर में सेक्रेटरी रहा 2-4 साल तक, और अभी उपाध्यक्ष के निमित्त मेरे कंधे पर कार्य है। और मैं चाहता हूँ कि यह संस्था व्यापारी के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करती रहे, अपना कार्य करती रहे। यह मेरा हिंदुस्तान चैम्बर की तरफ से सारे सदस्यों को आश्वासन है कि मैं पूरे लगन के साथ हिंदुस्तान चैम्बर की सारे कार्यक्रम संभाल। धन्यवाद। चंद चोपड़ा, मैं संस्था में 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, अभी ट्रस्टी के रूप में भी हूँ आज 15 साल से, और इसमें सामान्य मंत्री के रूप में भी काम किया है, और हिंदुस्तान चिकित्सालय में मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, और मारवाड़ी कॉमर्शियल स्कूल में मैं आज की तारीख में उपाध्यक्ष हूँ।
शताब्दी महोत्सव और और आइए आज हम चले अंधकार से प्रकाश की ओर जो 125 साल पहले बैठकर ये जो इवेंट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज 125 साल पहले इतनी तकलीफें थीं और व्यापारी वर्ग को आज इस मुकाम पर लाने में जो हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना योगदान दिया है, उसको सलामी देते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पंच पद्धति से निपटाना अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करना था। संस्था की प्रगति के साथ नाम परिवर्तन भी होता रहा। पहले हिंदुस्तानी नेटिव मर्चेंट एसोसिएशन, फिर हिंदुस्तानी देशी व्यापारी एसोसिएशन रखा गया। 1947 आते आते पूरे देश में आजादी का आंदोलन